मैं हम कहा बेकार का ऐसे बोल। जब आप तुम लोग पिस रहे हो ना, धड़ाधड़ पिस रहे हो, अब तुम लोग को याद आ रहा है कि उनने वादे क्या किए थे और किया क्या। अब होशियार रहना, अब गलती की फिर खुदा ही बचाएगा। ये अब आपका काम है, आपकी जमात का काम है, हर घर में पहुंचे। हमने मुल्क को कमजोर नहीं करना है, मुल्क को मजबूत करना है। हम कभी भी पाकिस्तानी नहीं थे, मैं हर वक्त हम पे उंगली उड़ाई जाती थी पाकिस्तान। अरे हमने पाकिस्तान जाना होता तो 47 में चले गए होते, सारा पाकिस्तान में चला गया होता, हिंदू यहां से भाग गया होता। उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और शेख अब्दुल्ला था, कभी मैं भूल कहा नहीं, हमें रहना है तो भारत के साथ रहना। किस भारत के साथ? जिसमें सब बराबर है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई धर्म ये नहीं, कोई धर्म वो नहीं, सब धर्म बराबर। उस भारत को मनाना है, उसमें कोई फर्क ना हो, तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, तुम भारतीय, किसी के वो हिम्मत नहीं होने से शक करने की कि तुम क्या। वो भारत बनाना है, उसके लिए कुर्बानियां देनी है। हाँ, उसके डरना नहीं, बस आपस में मिलाप रखें, आपस में जोड़ रखें, आपस में तावन रखें, एक दूसरे की मदद करें, तब बनेगा। और उसे मांगिए, प्रभु हमारे गुनाहों को माफ कर, हम इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है, प्रभु हमारी गलतियों को माफ कर और हमें सही रास्ता दिखा कि हम आगे चल सकें, न सिर्फ रियासत को मजबूत कर सके बल्कि भारत को मजबूत कर सके। ये मांगे इन्होंने G20 की मीटिंग रखी, चीनियों को दिखाने के लिए कि लद्दाख हमारा है। और G20 कहां रखी? कश्मीर में। वो जो जम्मू जम्मू कहने वाले थे, जम्मू में क्यों नहीं रखी? क्या जम्मू इनकी जेब में है? यहां भी तो लाते उनको, ये भी तो देखते हमारे लोगों का हाल क्या है, आपकी स्मार्ट सिटी भी देख लेते, थोड़ा सा रघुनाथ मंदिर के भी दर्शन कर लेते तो क्या हो जाता, पत्नी टॉप जाती। वहां तो बहुत बड़ा बाग इन्होंने खोला है, ट्यूलिप गार्डन, अरे ट्यूलिप गार्डन दिखा देते उनको, और तो कुछ नहीं दिखाते, मगर नहीं। और जम्मू के मेहरबान लीडर जम्मू जम्मू जम्मू, उनके मुंह पर ताला लगा, वो भी थोड़ी सी डोगरी सुनते, थोड़े से डोगरी गाने सुनाते उनको, वो सिपाहिया क्या सिपाहिया डोगरिया क्या, हम भी देखते उनको नाचते हुए उनके साथ, क्या बात, उनको भी पता लगता कि भाई डोगरी भी एक जबान है और डोगरा भी एक इलाका है। पता नहीं जम्मू तो जेब में है, उसको तो हम तो कभी भी जीत सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, राम खतरे में। ये याद है, भगवान खतरे में नहीं है, इंसान खतरे में। हमारा किसान खतरे में है, हमारा मजदूर खतरे में है, हमारा बेटा और बेटी पढ़े लिखे बेकार पड़े हुए। ये मैं तो यही प्रार्थना करता हूं,
कि प्रभु हम लोगों को इन मुश्किल से निकाले, आप लोगों के लिए अच्छे दिन लाए, जैसे कि आप लोग तरक्की करते, आपके घर आबाद हो सकते। कमाल दीजिए, आपसे तकरीर करते करते मेरा जुकाम ही गायब होने लगा है। कमाल दो, खुदा जी के साथ आप ईमानदार जी लगता है कि मेरा जुकाम खत्म हो गया। मैं तो जनाब अभी घाट पे चढ़ूंगा उनका जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए बारिश में आए, कल तो बहुत ज़बरदस्त गर्मी थी, मेरा तो पसीना निकल गया था, मगर शुक्र है ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा ना कुछ करेगा। आज लेबर डे है, लेबर जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रियासत ने तरक्की करनी हो या मुल्क ने तरक्की करनी, मगर जो हाल आपने मुझे यहाँ पे बताया और सबने सुना, हालत ये है कि कई आपकी फैक्ट्रियाँ तो बंद हो गई, और जैसे इनने फरमाया कि जो फैक्ट्रियाँ हैं वो हैं जो पोल्यूशन कर रही हैं, वो आ गए, वो आपकी ज़मीनों को भी तबाह कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी जगह वो लगा नहीं सकते। उन्हें समझा जम्मू बेहतरीन जगह है, यहाँ कोई परवाह नहीं। तीसरी चीज़ जो इनने फरमाई, पेंशन का था, प्रोविडेंट फंड का था, प्रोविडेंट फंड। अब बताइए मुझे, एक गरीब मजदूर अपने घर को कैसे पालेगा, कैसे पालेगा? महंगाई आसमान पे, कोई चीज सस्ती नहीं है। वो तेल ले लीजिए, मसाले ले लीजिए, वो गैस का सिलेंडर ले लीजिए, अगर कोई चीज़ सस्ती रह गई तो वो इंसान रह गया। और ईमान से मैं जब देखता हूँ कि अगर हमारा मजदूर ठर्रा पीता है, वो इसलिए पीता है कि वो समझता कि यार इससे मैं सब चीज़ें भूल सकता, वो सुनना नहीं चाहता, उसके घर में भुखमरी है, बदहाली है, बच्चे बेकार हैं, पढ़े लिखे बेकार, बच्चियों की शादी का वक्त आ गया है मगर कुछ भी नहीं है जिससे कि उसको वो विदा कर सके। यह हालत आ गई, हर कोई मजदूर बाहर से, जैसे कि यहाँ के लोग बिल्कुल बेकार के लोग हैं। मकसद इनका है कि इन्हीं मजदूरों से ये वोट दिलवाएंगे इलेक्शन जीतने के। अफसोस तो इस बात का है, मकसद इनका है कि इन्हीं मजदूरों से ये वोट दिलवाएंगे इलेक्शन जीतने के। अफसोस तो इस बात का है। बहुत अच्छी चीज़ मुझे एक साथ में भेजी, उसने कहा सियासतदान जो है, पॉलिटिशियन, सिर्फ इलेक्शन की सोचता है कि इलेक्शन कैसे जीतेगा, कितना झूठ बोल सकता है, कितना बेईमानी कह सकता है, कितने झांसे दे सकता है इलेक्शन जीतने के लिए। मगर लीडर जो है वो ये सोचता है कि मेरे बच्चों का और उन बच्चों का जो लोगों के हैं उनका क्या होगा, वो कैसे तरक्की करेंगे, कैसे वतन तरक्की करेगा। कोई नहीं सोचता कि मैं इलेक्शन जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, उसका मकसद है कि हम लोग इज्जत से कैसे रह सकते हैं, कैसे तरक्की कर सकते हैं। हाल ये है हमारा, और कही सही कहा इन्होंने, पावर प्रोजेक्ट बन रहा है किश्तवाड़ में, मजदूर बाहर से, क्या हमारे लोग इतने बेकार हैं कुछ नहीं कर सकते?
आपकी नेशनल हाईवे बन रही है, बाईपास बन रहा है, क्या उस पर हमारे लोग काम नहीं कर सकते? या जो स्मार्ट सिटी बन रही है आपकी, अल्लाह रहम करे स्मार्ट सिटी, मैं तो कान पकड़ता हूँ स्मार्ट सिटी जो इन्होंने कश्मीर में भी बनाई है, हैरान होंगे आप। सड़कें छोटी हो रही हैं और फुटपाथ बड़े हो रहे हैं, कमाल ये देखिए। आज कौन चलता है मुझे ये बताइए, कितने लोगों को आपने देखा साइकिल चलाते हुए? अगर कोई चलता है तो ठंडी सड़क पे मैंने देखा लोगों को चलते हैं, या गांधीनगर में कोई पार्क है पार्क में चलते, सड़क पर नहीं चलते, सड़क पर डर रहता है कि पता नहीं मोटरसाइकिलों पर चढ़ जाएगा, गाड़ी चढ़ जाएगी, टेम्पो चढ़ जाएगा, मगर हार के और टाइलें लगाई जा रही हैं। वाह क्या बात है, कल यही टाइलें लोग उठा के घर ले जाएंगे, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, देखना आप। अरे इस गरीब का तो सोचो, जिसके दम पे तुम हुकूमत बनाते हो, इस गरीब का सोचो, झांसा तो देते हो। आगे नहीं, मुझे जुकाम हो गया था, नहीं आता तो लोग सारे कहते हैं फारूक अब्दुल ने झूठ बोला है, नहीं आया। आपसे कहता हूं, सबसे आसान चीज जो है वो इंसान है, इंसान मर जाए तो परवाह, वो क्यों ना भूख से मर। अंग्रेजों के जमाने में बांधते हैं 1942 में 43 में बंगाल में जबरदस्त कहत आया, 3 मिलियन लोग मर गए हिंदुस्तान। क्यों? क्योंकि हमारा राशन अंग्रेज ले जाता था अपनी फौज के लिए जो दूसरी जंग लड़ रहे थे। आज तो हमारा वतन है, आज तो हम हैं, हम मालिक हैं इस वतन के, और हमसे ही हाल कि हमारे मजदूर को जिंदा रहने के लिए ये भी नहीं सोचते हो कि कैसे जिंदा रहे इज्जत से। वो मेरा बंगला नहीं मांगता, वो मेरी गाड़ी नहीं मांगता, वो मेरी दौलत नहीं मांगता, वो कहता मुझे जीने के लिए दो कि मैं इज्जत से जी सकूं, मैं चल सकूं, मेरे बच्चे पढ़ सकें, मेरे बच्चों का कुछ आगे कोई रास्ता निकले, मेरी बेटी का कोई रास्ता निकले। कोई नहीं सोचता। आज तो स्मार्ट सिटी, अरे स्मार्ट सिटी तब है जब यहां के लोग उस पर चल सकें, बच सकें, उनके लिए तो सोचते ही मुझे तो तुम्हारे पास वक्त ही नहीं, तकरीरें बहुत मारते हो रोज, हमारे लीडर तकरीरें मारते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। आज लोगों की हुकूमत नहीं है, दिल्ली की हुकूमत, और यह हाल है दिल्ली की हुकूमत से होकर भी कि हमारे मजदूर का पैसा नहीं दे रहे हो, जबकि तुम कहते हो हम सबसे बड़े अमीर हैं, हमारा GDP बढ़ रहा है, हुकूमत से होकर भी कि हमारे मजदूर का पैसा नहीं दे रहे हो, जबकि तुम कहते हो हम सबसे बड़े अमीर हैं, हमारा GDP बढ़ रहा है, हम बहुत आगे चल दिए, हम तो अंतरिक्ष में पहुंच रहे हैं। अरे यार तुम अंतरिक्ष में पहुंचो या ना पहुंचो, ये बेचारा तो जमीन दोस्त हो रहा है, ये तो मर रहा है, ये तो खुदकशी कर रहेगा, तब क्या करोगे? अफसोस आता है, मुझे याद है किस तरह मुश्किल से यहाँ इंडस्ट्री लाई गई, क्योंकि बहुत पिछड़ा इलाका है, बहुत दूर है मरकज से, सारा सामान बाहर से आना है,
इंडस्ट्री लगाई है। मुझे याद है जब इंदिरा गांधी जी हुकूमत में आई 80 में, तो उन दिनों में वो व्हाट वाज दैट फाइबर कॉल्ड, नायलॉन फाइबर जो था उसकी फैक्ट्रियां लगनी थी, 3 फैक्ट्रियां। मैं गया इंदिरा गांधी जी के पास, मैंने कहा हम लोगों का बहुत गुर्बत है, बड़ी सख्त गुर्बत, बारिश नहीं पड़ती, हमारा कंडी इलाका है वहां पे ऐसी मुसीबत है कि भुखमारी हो जाए, इनका बचाव होगा अगर ऐसी इंडस्ट्री आएगी जिससे कि एक इंडस्ट्री लगती है उससे 40 और छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं, सैलरी हाँ, और हम लोग बच जाएंगे। अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने मुझसे कहा फारूक बिल्कुल सही है, मगर हमने 3 क्योंकि वक्त में पैदा किया था, वो 3 लग जाए आपके यहाँ फिर लगाएंगे, फिर वो रहेंगे, उनकी मृत्यु हो गई, मगर आज भी मुझे याद है वो उस वक्त कहती थी कि हम यहाँ भी लगाए। स्कूटर इंडस्ट्री आई, मैं दौड़ गया कि भाई एक स्कूटर इंडस्ट्री यहाँ भी लगा दूँ, कि किसी तरीके से हम लोग, हमारे पास तो और कुछ है नहीं, न तेल है न गैस है, यहाँ पे जम्मू के करीब सुरेंद्र सर मैंने वो रशियन से देखा कि तेमत से होकर भी कि हमारे मजदूर का पैसा नहीं दे रहे हो, जबकि तुम कहते हो हम सबसे बड़े अमीर हैं, हमारा GDP बढ़ रहा है, हम बहुत आगे चल दिए, हम तो अंतरिक्ष में पहुंच रहे हैं। अरे यार तुम अंतरिक्ष में पहुंचो या ना पहुंचो, ये बेचारा तो जमीन दोष हो रहा है, ये तो मर रहा है, ये तो खुदकशी कर लेगा, तब क्या करोगे? अफसोस आता है, मुझे याद है किस तरह मुश्किल से यहाँ इंडस्ट्री लाई गई, क्योंकि ये बहुत पिछड़ा इलाका है, बहुत दूर है मरकज से, सारा सामान बाहर से आना है, इंडस्ट्री लगाई यहाँ। मुझे याद है जब इंदिरा गांधी जी हुकूमत में आई 80 में, तो उन दिनों में वो व्हाट वाज दैट फाइबर कॉल्ड, नायलॉन फाइबर जो था उसकी फैक्ट्रियां लगनी थी, 3 फैक्ट्रियां। मैं गया इंदिरा गांधी जी के पास, मैंने कहा हम लोगों का बहुत गुर्बत है, बड़ी सख्त गुर्बत, बारिश नहीं पड़ती, हमारा कंडी इलाका है वहां पे ऐसी मुसीबत है कि भुखमारी हो जाए, इनका बचाव होगा अगर ऐसी इंडस्ट्री आएगी जिससे कि एक इंडस्ट्री लगती है उससे 40 और छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं, सैलरी हाँ, और हम लोग बच जाएंगे। अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने मुझसे कहा फारूक बिल्कुल सही है, मगर हमने 3 क्योंकि वक्त में पैदा किया था, वो 3 लग जाए आपके यहाँ फिर लगाएंगे, फिर वो रहेंगे, उनकी मृत्यु हो गई, मगर आज भी मुझे याद है वो उस वक्त कहती थी कि हम यहाँ भी लगाए। स्कूटर इंडस्ट्री आई, मैं दौड़ गया कि भाई एक स्कूटर इंडस्ट्री यहां भी लगा दूं, कि किसी तरीके से हम लोग, हमारे पास तो और कुछ है नहीं, न तेल है न गैस है, यहां पे जम्मू के करीब सुरेंद्र सर मैंने वो रशियन से देखा कि भुखमारी हो जाए, इनका बचाव होगा अगर ऐसी इंडस्ट्री आएगी
जिससे कि एक इंडस्ट्री लगती है उससे 40 और छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं सैलरी, हाँ, और हम लोग बच जाएंगे। अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने मुझसे कहा, फारूक बिल्कुल सही है, मगर हमने 3 क्योंकि वक्त में पैदा किया था, वो 3 लग जाए आपके यहाँ फिर लगाएंगे, फिर वो रहेंगे, उनकी मृत्यु हो गई। मगर आज भी मुझे याद है वो सब कहती थी कि हम यहाँ भी लगाए। स्कूटर इंडस्ट्री आई, मैं दौड़ गया कि भाई एक स्कूटर इंडस्ट्री यहाँ भी लगा दो। कि किसी तरीके से हम लोग, हमारे पास तो और कुछ है नहीं, न तेल है न गैस है। यहाँ पे जम्मू के करीब शुरू सर सर सुरेंद्र मैन ने वो रशियन से देखा कि तेल होगा वहाँ पे, तेल नहीं निकला। हमारे पास कुछ भी नहीं, प्रभु ऊपर हम नीचे। बारिश आएगी तो कुछ अन्न खाएंगे, बारिश नहीं आएगी तो कुछ नहीं खाएंगे। यही चिनाब टेक्सटाइल मिल जो है कुठुआ में, एक दिन आया, इन्हें काम यहां बंद करेंगे, हमारी मुश्किल आ गई। मेरे वालिदैन को बुलाया, के बिरला साहब को, प्रभु उनको शांति दे। कब चाहिए आपको, क्या चाहिए बताइए आपको, हम देने को तैयार हैं, मगर यहां से जाइए मत। आज वो एक इंडस्ट्री है जहां पे मैं समझता हूं 10,000 नहीं 15,000 लोग हैं और बढ़ा रहे हैं। यही चाहिए हमें, हमें नहीं कुछ चाहिए, हमें दिल्ली की बादशाहत नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हमारे गरीब जो है वो किसी तरह से इज्जत से रह सके, ये चाहिए। तुम सब भी बाहर से ला रहे, ठेकेदार भी बाहर से, हर चीज बाहर से, यहां तक कि आप रेत का एक बैग नहीं उठा सकते हो क्योंकि वो भी बाहर वाले के पास है। यहां ईंटों के भट्ठे थे, वो भट्ठे भी बंद हो गए क्योंकि आप पंजाब से ईंटें ला रहे हो। उन लोग आरोप लगता था और बड़े जोर जोर से, ये जो मेहरबान दूसरी जमातों के लोग थे, कहते थे जम्मू और लद्दाख के साथ इम्तियाज हो रहा है, कश्मीर सब खा रहा है। हाँ जरा मुझे बताएं ना, वो लीडर जो बड़े चिल्ला चिल्ला के कहते थे जम्मू जम्मू जम्मू, डोगरा डोगरा डोगरा, वो किधर मार गए, कहाँ गए, उनकी आवाज को क्या हो गया, ताला क्यों लग गया, आज वो क्यों नहीं बात करते हमारे लोग। हाँ तो कश्मीर राज नहीं कर रहा, तो दिल्ली राज कर रहा, क्यों नहीं बोलते हैं, किन लोगों का क्या होगा, इन मजदूरों का क्या होगा, कहाँ जाएंगे, क्या बिहार जाएंगे, बंगाल जाएंगे जहाँ की भाषा ये नहीं जानते, तमिलनाडु जाएंगे जहाँ की भाषा ये नहीं जानते, उनका रहन सहन अलग, उनका खाना अलग, उनका तरीका अलग। कोई इसकी तरफ नहीं सोचता, सिर्फ फोटो आपके अखबार खोल लीजिए, ऊपर से नीचे तक सरकार भाड़ में जाए यहां का इंसान। और यही तो मुसीबत, और हम पे जैसे सांप लड़ गया है, बोलने के लिए तैयार और अखबार लिखने के लिए तैयार, क्योंकि इनको तो सीधा अंदर कर देंगे। इनको तो पहले CID में जाना पड़ता है कि हम ये लिखने वाले हैं, और अगर कहीं कुछ ये उधर को होगा कि खबरदार इधर आ जाओ थाने में आ जाओ। मैंने ये अंग्रेजों के वक्त में नहीं देखा, मैंने महाराजा हरि सिंह के राज में भी ये नहीं देखा जो आज देख रहा।
कि सच बात तो बोल ही नहीं सकते। क्या चाहिए? क्या जम्मू वाले पाकिस्तानी हैं, चीनी हैं, क्या है? कुर्बानियां दी हैं यहां के लोगों ने, तब तिरंगा लहरा रहा है, नहीं तो कब से तिरंगा मिट गया होता। मगर इनको इनकी कुर्बानी याद नहीं आई कि सच बात तो बोल ही नहीं सकते। क्या चाहिए? क्या जम्मू वाले पाकिस्तानी हैं, चीनी हैं, क्या है? कुर्बानियां दी हैं यहां के लोगों ने, तब तिरंगा लहरा रहा है, नहीं तो कब से तिरंगा मिट गया होता। मगर इनको इनकी कुर्बानी याद नहीं आई। इस मजदूर ने घर छोड़ के वह फैक्ट्री चलाई, कुछ पैदा कर सके, भारत का नाम ऊंचा कर सके। पेंसिल फैक्ट्री आई थी, वो भी बंद, वो बंद हो गई है। मैं आपसे कहता हूँ, एक चला रहे, बाकी बंद। इसी तरह वो आपकी वो सोइंग मशीन वगैरह बनाते, सिंगर सिंगर देखिए, उन्हें पहले बंद कर दिया, 11 महीने बाद हमने मुकदमा, फिर भीलवाड़ा, सबसे बड़ी फर्क, कितने ही हमारे मजदूर उससे आबाद थे। भैया मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, अब पंचायत इलेक्शन आने वाले, उसके बाद VDC इलेक्शन आने वाले, VDC इलेक्शन वाले आने, लोकल बॉडी, जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन आने वाले। मैं पहले लीडरों से कहना चाहता हूँ जहां स्टेज पे बैठे, तुम में से अगर कोई भी ये समझता है कि मैंने इलेक्शन लड़ना है, पहले अपने वार्ड में मुझे दिखाओ अपना जीत कर कि तुम कोई वार्ड जीत सको। मैं तो कल नहीं कहना फारूक अब्दुल्ला हमें सीट दो, फारूक अब्दुल्ला आपको सीट देने के लिए तैयार नहीं है, मैं आज ये कह देना, पहले दिखाओ मुझे कि तुम इन गरीबों के साथ खड़े हो या तुम्हारे गरीब तुम्हारे साथ हैं, मुझे दिखा दो। और बेहतर है कि क्यों ना वो ना पढ़ाई क्यों ना हो, मगर लोग उसके साथ हों और वो लोगों के लिए आवाज बुलंद कर सके, उसको लाइए जो भगवान के सिवा किसी से नहीं डरे। याद रखना, जिंदगी और मौत सिर्फ उसके हाथ में है, जिंदगी और मौत किसी और के हाथ में नहीं है। बेहतर है कि सच बोलो और सच बोल के मरो, स्वर्ग मिलेगा। कहना चाहता हूँ जहाँ स्टेज पे बैठूंगा, तुम में से अगर कोई भी ये समझता है कि मैंने इलेक्शन लड़ना है, पहले अपने वार्ड में मुझे दिखाओ अपना जीत कर कि तुम कोई वार्ड जीत सको। मैं तो कल नहीं कहना फारूक अब्दुल्ला हमें सीट दो, फारूक अब्दुल्ला आपको सीट देने के लिए तैयार नहीं है, मैं आज ये कह देना, पहले दिखाओ मुझे कि तुम इन गरीबों के साथ खड़े हो या तुम्हारे गरीब तुम्हारे साथ हैं, मुझे दिखा दो। और बेहतर है कि क्यों ना वो ना पढ़ाई क्यों ना हो, मगर लोग उसके साथ हों और वो लोगों के लिए आवाज बुलंद कर सके, उसको लाइए जो भगवान के सिवा किसी से नहीं डरे। याद रखना, जिंदगी और मौत सिर्फ उसके हाथ में है, जिंदगी और मौत किसी और के हाथ में नहीं है। बेहतर है कि सच बोलो और सच बोल के मरो, स्वर्ग मिलेगा। झूठ बोल के मरोगे तो नर्क में मरोगे, वहीं बैठो। हिम्मत करो, क्या है? हम कोई प्रोपेगेंडा नहीं करते हैं कि मुल्क के खिलाफ करेंगे, नहीं, हमने बसता मुल्क के साथ है, रहना इनके साथ, मरना इनके साथ। हमने चीन के साथ नहीं मरना, पाकिस्तान के साथ नहीं मरना, हमने भारत के साथ मरना।
इसे हमारी आवाज सुनो, हमारे गरीब की आवाज सुनो, उसका हाल क्या है। वो घर में मर रहा है और तुम लोग दफ्तरों में बैठ के ऐश कर रहे हैं, पार्टियां दे रहे हो, विस्कियां पी रहे हो, इनका खून पी रहे हो। हिम्मत और उस पर भरोसा, उस भगवान पे भरोसा, उसके सिवा कुछ भी नहीं। वही था, वही है और वही रहेगा, बाकी सब मिट जाएगा। कहाँ है वो बड़े बड़े एम्पायर, ईरान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। कहाँ है आज बर्तानिया का एम्पायर जो कहते थे कि सूरज हमारे ऊपर कभी उठ नहीं सकता, गुरूब नहीं होगा, आजाद होगी दुनिया। मगर अफसोस, आजाद होके हमने जो करना था वो नहीं किया, शैतान की तरफ ज्यादा गए, ईमान की तरफ कम गए। क्या जीना हम सब ने है, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वही खाना खाते हो, वही रोटी खाते हो, वही चावल खाते हो, वही दाल, वही मसाला, फर्क क्या है? और जब मरते हो क्या तुम दूसरी तरीके से मरते हो और दूसरा धर्म वाला दूसरी तरह से मरता है? मालिक तो वो है, किसी को फूंका जाता है, किसी को जमीन में दबाया जाता है, जाना तो वही है, ये तो सब यही रह जाएगा, फिर डर किस बात का? इंसाफ करो लोगों पे, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, कहीं ऐसा ना हो कि ज्वालिया मक्खी वो फूट जाए और फिर हम बच नहीं सकेंगे। इसे धर्म की लड़ाइयां छोड़ दो, कर्म की लड़ाइयां करो। हम मंदिर और मस्जिदों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इंसान की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। वो बेचारा बच सके ये सोच के हम सोचें कि नहीं, प्रभु तू तो हम सबका है, तू किस शक्ल में हमको क्या पता, मगर है तो हमारा मालिक। कोई क्या आपसे कहता है कि क्यों मंदिर जाते हो? तुम्हारा रास्ता है उसको पाने के लिए जाओ, गुरुद्वारा जाते हो तुम्हारा रास्ता है, तुम मस्जिद में जाते हो तुम्हारा रास्ता है उसको ढूंढने के लिए। पहले अपने दिल में उसका दर्द पैदा करो कि भगवान है। हमें तो आज भी शक होता है कि भगवान है या नहीं है। जब मुसीबतें बहुत आ जाती हैं तो इंसान उससे दूर होने लगता है, मगर वो जो मुसीबत डालता है तो तुम लोगों को उसका रास्ता दिखाने की कोशिश करता है। इधर को मुड़ो, जब आग लगती है उस आग में वो भी मर जाता है, वो भी जल जाता है, जो भगवान को मानने वाला है वो भी जल जाता है, वो भगवान को मानने वाला है। अगर हम ये समझ जाएं कि हमें उसको अपने दिल, जब आग लगती है उस आग में वो भी मर जाता है, वो भी जल जाता है, जो भगवान को मानने वाला है वो भी जल जाता है, वो भगवान को मानने वाला है। अगर हम ये समझ जाएं कि हमें उसको अपने दिल में उतारना है, जिस दिन भगवान तुम्हारे दिल में उतारेगा तुम्हें किसी के लिए नफरत नहीं होगी, कि तुम समझोगे कि इसका भी वही भगवान, कोई फर्क नहीं। अगर उसने हम लोगों को अलग अलग बनाया होता तो हिंदू की तो 5 आंखें होती, सरदार की 6 होती, मुसलमान की 8 होती, उसने हम सबको बराबर बनाया, एक जैसा बनाया। हमने फर्क शुरू करना पड़ा,
कि हम ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, ईसाई, हमने करना। अगर हमने अपने दुख दर्द को दूर करना है तो इकट्ठे हो जाओ, एक मुट्ठी बन जाओ। जिस दिन एक मुट्ठी बन जाओगे उस दिन तुम्हारी ताकत बनेगी। महात्मा गांधी के पास तोपे नहीं थी, महात्मा गांधी के पास हाइटर नहीं थे, महात्मा गांधी के पास एक आजम था कि मैंने और हमारे लोगों ने अंग्रेजों को बाहर निकालना और सबको इकट्ठे किया कि फर्क नहीं की तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम किधर से हो, तुम्हारी जबान क्या है, तुम्हारी भाषा, तुम्हारा उठर कैसा है, क्या है, कुछ नहीं, खड़े हो गए, इनकलाब जिंदाबाद। मजदूर भाइयों, जिस दिन तुम लोग इकट्ठे हो जाओगे उस दिन मैं आपसे कहना चाहता हूं ये जमीन कांपने लगेगी, अफसरों की बात कांपने लगेगी। आज देखो उन लड़कियों को जो जंतर मंतर में बैठी हुई हैं, क्योंकि उनकी इज्जत लूटी जा रही थी, खड़ी हो गई। हिम्मत से खड़ी हो गई कि मर जाएंगे मगर हम मुकाबला करेंगे, खड़े होकर खड़े हो गए। वो मेरी भी बेटी है, आपकी भी बेटी है, मेरी, और सबको इकट्ठे किया कि फर्क नहीं की तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम किधर से हो, तुम्हारी जबान क्या है, तुम्हारी भाषा, तुम्हारा उठर कैसा है, क्या है, कुछ नहीं, खड़े हो गए, इनकलाब जिंदाबाद। मजदूर भाइयों, जिस दिन तुम लोग इकट्ठे हो जाओगे उस दिन मैं आपसे कहना चाहता हूं ये जमीन कांपने लगेगी, अफसरों की बात कांपने लगेगी। आज देखो उन लड़कियों को जो जंतर मंतर में बैठी हुई हैं, क्योंकि उनकी इज्जत लूटी जा रही थी, खड़ी हो गई। हिम्मत से खड़ी हो गई कि मर जाएंगे मगर हम मुकाबला करेंगे, खड़े हो गए। वो मेरी भी बेटी है, आपकी भी बेटी है, मेरी बेटी है, आपकी भी बहन है। जब किसी ने नहीं सुनी तो बड़ी अदालत में पहुंचे, मुबारक हो सुप्रीम कोर्ट को, मैं मुबारक करता हूं। उन्होंने सुनी उनकी बात और कहा FIR लगाओ उस पर। आजकल तो FIR उन लोगों पर लगाई जाती है जो उस हुकूमत के खिलाफ है, उनको सीधा अंदर कर दिया जाता, कोई सुनने वाला नहीं। वही आपने करना, जिससे आप में वो हिम्मत आई, जिस तरह बेटियों में आई, तुम सरकारों को हिला देते, तख्त मिटा देते, उसकी तरफ चलो। वो तब आएगा जब आप उसकी रस्सी पकड़ेंगे जिसे हम भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, उसकी रस्सी पकड़ो और उसे समझो कि वही देने वाला है। जिस दिन वो तुम्हारी रोजी बंद करेगा, तुम्हें अगर हजारों भी देने आएंगे, तुम्हारी हालत से नहीं उतरेगी। मैं मुबारक करता हूं आपको कि आप में वो हिम्मत है, आप इनको जोड़े हुए हैं। और कर इनके घरों में जाना, इनकी माओ बहनों की हालत देखनी है। मैं अपने लीडर से कहूँगा, इन सब से, इनको देखिए, इनके घरों में पहुँचे, कोई ना कोई थोड़ी सी मदद कर दीजिए जहाँ से भी हो सकता है। सबसे इनको देखिए, इनके घरों में पहुँचे, कोई ना कोई थोड़ी सी मदद कर दीजिए जहाँ से भी हो सकता है। वो देने वाला वो है,
जितना हाथ खोल के दोगे उतने से ज़्यादा देगा। हाथ कभी बंद मत करो, दरवाज़ा कभी बंद मत करो, क्योंकि हो सकता है कि भगवान तुम्हारे दरवाजे के सामने खुद खड़ा हो। इन गरीबों का सोचो। और मैं आपको एक बात यकीन दिलाता हूँ, एक बात याद रखिएगा, अगर उसने हमें हुकूमत लाई, मैं वादा करता हूं आपसे कि एक महीने के अंदर अंदर आपके मसले हल नहीं होंगे। फारूक अब्दुल्ला, मुझे नारा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अजम चाहिए। बहुत लोग आएंगे, आपको फिसलाएंगे, आपके माओ बहनों को फिसलाएंगे, भगवान राम का लेकर वोट लगाएंगे। मैं जानता हूं जब इलेक्शन हुए कश्मीर में और मक्त निकला, इसके बड़े मेहरबान हैं लोग, मैं गया रात के 12-12 बजे में तकरीरें करता था, मैंने देखा उनके झंडे क्या थे, वो जो इलेक्शन का सिंबल था वो नहीं था, झंडे पे अल्लाह लिखा था, झंडे पे मेरे पैगंबर रसूल का नाम लिखा था, झंडे पे कुरान रहल पे रखा हुआ था। मैं घर 12 बजे पहुंचा तो मेरे आंसू आ रहे थे, मेरी माँ ने मुझसे पूछा बेटा तुम रो क्यों रहे हो, मैंने कहा माँ आज मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि आज लोगों को कहा जा रहा है कि खुदा के लिए वोट दो, उसके रसूल और कुरान के लिए वोट दो। मैंने कहा वो कब वोट, वोट तो मुझे चाहिए। और आएंगे तुम्हारे पास उस वक्त कहना भगवान को वोट नहीं चाहिए, वोट तुमको चाहिए। और याद रखना ये बड़ी बड़ी ट्रिकें खेलेंगे, क्या क्या नहीं कहेंगे आपसे, मगर वोट यहां पड़ गया उसके बाद तुम जाओ भाड़ में, हमने तो कुर्सी संभाली। ये इनके घरों में जाना, इनकी माओ बहनों की हालत देखनी है। मैं अपने लीडर से कहूंगा इन सबसे, इनको देखिए इनके घरों में पहुंचे, कोई ना कोई थोड़ी सी मदद कर दीजिए जहां से भी हो सकता है। वो देने वाला वो है, जितना हाथ खोल के दोगे उतने से ज़्यादा देगा। हाथ कभी बंद मत करो, दरवाज़ा कभी बंद मत करो, क्योंकि हो सकता है कि भगवान तुम्हारे दरवाजे के सामने खुद खड़ा है। इन गरीबों का सोचो। और मैं आपको एक बात यकीन दिलाता हूँ, एक बात याद रखिएगा, अगर उसने हमें हुकूमत लाई, मैं वादा करता हूं आपसे कि एक महीने के अंदर अंदर आपके मसले हल नहीं होंगे। फारूक अब्दुल्लाह, मुझे नारा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अजम चाहिए। बहुत लोग आएंगे, आपको फिसलाएंगे, आपके माओ बहनों को फिसलाएंगे, भगवान राम का लेकर वोट लगाएंगे। मैं जानता हूं जब इलेक्शन हुए कश्मीर में और मक्त निकला, इसके बड़े मेहरबान हैं लोग, मैं गया रात के 12-12 बजे में तकरीरें करता था, मैंने देखा उनके झंडे क्या थे, वो जो इलेक्शन का सिंबल था वो नहीं था, झंडे पे अल्लाह लिखा था, झंडे पे मेरे पैगंबर रसूल का नाम लिखा था, झंडे पे कुरान रहल पे रखा हुआ था। मैं घर 12 बजे पहुंचा तो मेरे आंसू आ रहे थे, मेरी माँ ने मुझसे पूछा बेटा तुम रो क्यों रहे हो, मैंने कहा माँ आज मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि आज लोगों को कहा जा रहा है कि खुदा के लिए वोट दो, उसके रसूल और कुरान के लिए वोट दो। मैंने कहा वो कब वोट, वोट तो मुझे चाहिए।
और आएंगे तुम्हारे पास। उस वक्त कहना भगवान को वोट नहीं चाहिए, वोट तुमको चाहिए। और याद रखना ये बड़ी बड़ी ट्रिकें खेलेंगे, क्या क्या नहीं चाहेंगे आपसे, मगर वोट यहां पड़ गया।